नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की वर्कशीट संख्या है 39, 2 अक्टूबर को आपके पास आने वाली है। इसमें मेन टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो हाइट और डिस्टेंस के ऊपर प्रॉब्लम है। 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, सिर्फ इन्हीं एंगल्स पे जो प्रॉब्लम होंगी आपकी डेली लाइफ की, वो करनी है हमें। यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इस साइड रिकॉल एंड आंसर में थोड़ा सा दिया हुआ है, ये भी हम कर लेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट भी कर लेंगे, सेकंड और एग्जाम्पल थर्ड, ये इनके सॉल्यूशन दिए हैं, आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, ट्राई योर सेल्फ, ये क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, तीनों क्वेश्चन आपको करवाएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा टेबल के बारे में देख लेते हैं क्या था। तो ड्रा एंड लेबल द फिगर एज पर द डिटेल गिवन, जो भी डिटेल दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें फिगर बनाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, लेफ्ट साइड में आपके पास दिया हुआ है ड्रा एंड लेबल द फिगर्स। तो पहली बात तो इसकी बहुत ही सही है वर्कशीट की, कि आपको फिगर बनाना आना चाहिए। फिगर बनाना आएगा तभी तो क्वेश्चन बन करोगे, ठीक है। तो पहला इसने दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है टावर एंड ट्री, साइड दी हुई है, बेस 40 मीटर दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं दिया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री दिया है, टावर एंड ट्री दिया है, बेस 40 मीटर दिया है। तो देखिए, ये मान लिया टावर है आपका, ठीक है, इसको ए बी मान लो टावर को, और ये वाला बेस इसने दिया है 40, ठीक है। यहाँ पे कोई ट्री है, और इसका क्या दिया है, एंगल ऑफ डिफ्रेशन, यानी इस ट्री से इस टावर का एंगल दिया है, अगर आप ट्री को छोटा मानोगे तो, ठीक है। ये वाला दिया हुआ है, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, और ये दिया है, ठीक है, ये थीटा दिया हुआ है, कितना दिया है 30 डिग्री देर का। अगर इसको टावर मानोगे, इसको ट्री मानोगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप चाहो। ये सी हो गया, ये डी पॉइंट हो गया, ये ई पॉइंट हो गया, तो ये फिगर बनेगा इसका, ठीक है। अब देख लेते हैं सेकंड। सेकंड में क्या है दोस्तों, वॉल एंड, तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वॉल एंड लैडर, एक सीढ़ी और एक दीवार दी हुई है, हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो देखिए भाई, ये वॉल होगी आपकी, सीढ़ी वॉल से तो लगी होगी, ये आपकी सीढ़ी है मान लेते हैं, थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है सीढ़ी, मुड़ गई है सीढ़ी, ये मान लो, ठीक है, ये सीढ़ी है आपकी, और इसने दी है 10 मीटर हाइपोटेनस। तो जो आपकी साइलेंट हाइट होगी वही तो 10 मीटर होगी, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। 60 मीटर दिया है एंगल, 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एंगल दिया है 60 डिग्री, याद रखना, ठीक है, ये दिया है, ठीक है, फिगर हो गया इसका। तो तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री, चाइल्ड है एंड काइट है, हाइट दी है 80 मीटर और साइड दी है 80 मीटर, ये नहीं दिया क्या दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन देर का है 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं कोई चाइल्ड है, ये लो भाई बना दिया चाइल्ड, ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड है, वो पतंग उड़ाता होगा, सीधी सी बात है, काइट यहाँ उड़ा रहा है। अब हाइट किसकी देगा वो, ये हाइट तो देगा नहीं, तो साइलेंट हाइट है ये, तो वो डोरी होगी आपकी, रस्सी होगी, तो ये होगी, ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका ए बी और सी। और क्या दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है, ठीक है, कितना दिया है 45 डिग्री, सॉरी सॉरी, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, डिप्रेशन नहीं दे रखा भाई। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा करेक्शन आपको करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, थोड़ा सा हमने गलत कर दिया है। जो ये वाला क्वेश्चन था, इसमें दिया था एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल ऑफ एलिवेशन आपका होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, अभी ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये नहीं है। और दूसरा ये देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है टावर से ट्री का, तो ये 30 डिग्री दिया है, ठीक है, याद रखना, इसमें थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये 30 डिग्री दिया है, बाकी सब सेम रहेगा, और यहाँ पे ये वाला दिया हुआ है, और यहाँ पे आ जाइए, ठीक है, और इसमें भी आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। इसके क्वेश्चन देखिए आप नीचे, तो लेफ्ट साइड में देखिए, आपके क्वेश्चन मैंने ओपन कर दिए हैं,
पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का फिगर तो दिया हुआ है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग शोन इन द फिगर। फिगर में एक बिल्डिंग दी हुई है ए बी, ये ए बी कोई बिल्डिंग है, ठीक है। ये सी पॉइंट दे रखा है और ये दे रखा है 60 डिग्री, और ये दिया है 50 मीटर, और हमें क्या करना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, ये हमें निकालनी है। यानी आपको क्या निकालना है, ए बी निकालनी है। और ये हमने पहले, मैंने आपको सिखाया है, जो भी चीज़ निकालनी हो इन ट्रायंगल ए बी सी, जो भी निकालनी हो उसको ऊपर रखो। एक और बात ध्यान रखना, ये एंगल है तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया आपका, और ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ए बी और जो दी है साइड वो नीचे बी सी, ए बी क्या हो गया आपका, ए बी क्या है पी, और बी सी क्या है बी, पी बाई बी क्या होता है टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो अब वैल्यू रख दो, ए बी बी सी की वैल्यू कितनी है 50, और टेंजेंट थीटा, थीटा कौन सा यूज होगा, ये 60 डिग्री, टेंजेंट कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ए बी बाई 50, और टेंजेंट 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, टेंजेंट 60 डिग्री का मान होता है √3। इसके और मान ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, लिख देना यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाइंग। तो ए बी की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी ए बी, और 50 की √3 से हो जाएगी, 50 √3, तो ये क्या आ जाएगा मीटर। तो ये आपका ए बी आ गया, यानी जो बिल्डिंग की हाइट है वो 50 √3 आ जाएगी, ठीक है। आसान था, आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर है 2, चलो यहाँ पे तो नहीं होगा, अगले पेज पे कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक पढ़ लेते हैं इसको। ए चाइल्ड इज़ वॉचिंग ए बर्ड ऑन ए ट्री, एक चाइल्ड ट्री के ऊपर एक बर्ड है उसको देख रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हर साइट इज़ 45 डिग्री, उसकी साइट का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा 45 डिग्री। द चाइल्ड इज़ 1.5 मीटर टॉल, चलो यहाँ पे देखिए, ये चाइल्ड है आपका ए बी चाइल्ड मान लिया हमने, 1.5 मीटर टॉल है। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा रह गया था, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लो एक बार। दो में क्या था कि 1.5 मीटर टॉल एक चाइल्ड था ए बी, मैंने उसको मान लिया है। और फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड चाइल्ड, ये चाइल्ड है बी पे, और ये मान लिया यहाँ पे सी पे ट्री है, ठीक है। ट्री की हाइट मान लेते हैं, ठीक है, ये ट्री है और ये डी पॉइंट मान लो, ये ट्री है, इसकी हाइट हमें बतानी है, और ये फिट से इसकी दूरी कितनी दे रखी है 30 मीटर, ये 30 मीटर दी हुई है, तो इसको मिला लेते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ था, हमें मिलाना पड़ेगा ये खुद से, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और यहाँ से ये मिला लेते हैं, ये आपका आ गया ई पॉइंट, लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, ये हमें करना ही होता है। अब इसने कहा था कि चाइल्ड इज़ वॉचिंग ए बर्ड ऑन ए ट्री, यहाँ पर चाइल्ड की साइट होगी, आँख होगी, यहाँ से देखेगा ऊपर की तरफ है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, और कितना दिया है 45 डिग्री दिया हुआ है। अब बताइए, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 हो जाएगी, और ये 30 मीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी 30 मीटर, ठीक है, ये इक्वल होंगे, ध्यान रखना। अब हमें निकालना डी सी, डी सी यानी ट्री की लेंथ निकालनी, तो कैसे निकलेगी, डी ई प्लस ई सी जोड़ देंगे, ई सी कितनी है 1.5, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा डी ई, तो देखिए इन ट्रायंगल ए डी ई, और ये सारे रूल लगते हैं राइट एंगल में, तो राइट एंगल है ये, तो लगा दो रूल, डी ई हमें चाहिए है, जो चीज़ चाहिए वो ऊपर, अब क्या दी हुई है ए ई दी हुई है, ए ई नीचे, अब देख लो डी ई इस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनस है, तो डी ई बाई ए ई क्या क्या पी बाई बी, पी बाई बी हमने पीछे सीखा था, पी बाई बी क्या होता है टेन थीटा, और थीटा आपका कितना है 45 डिग्री, तो रख दो वैल्यू डी ई, ए की वैल्यू कितनी है 30, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। अब इसकी वैल्यू रख दो 30, टेंजेंट 45 कितना होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या आ जाएगा, डी ई का वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री, 30 मीटर आ जाएगी, ठीक है, डी ई की वैल्यू आ गई।
अब आपको डीसी चाहिए है यानी पूरे ट्री की लंबाई, तो डीई में 30 में क्या जोड़ देंगे, 1.5 जोड़ देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा 31, 31.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ईजी था ना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वर्कशीट का। तो अगला क्वेश्चन देखिए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार पार्कड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई टावर। एक 75 मीटर हाई टावर है, इस टावर को हम ए बी मान लेते हैं, कुछ ही मान लो, ए बी पी क्यू क्यू उसे मान लो, कोई मर्जी दिक्कत नहीं है। कितनी है इसकी लेंथ, 75 मीटर। अब इसने कहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार, एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये वाला एंगल दिया होगा। तो यहाँ पे मान लिया कार है एक, ये कार है, ठीक है। अब इसने कहा है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है, तो इसको मिला लो, ठीक है, ये हमने मिला लिया। तो ये वाला एंगल दिया, एंगल ऑफ ये क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ध्यान रखना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये कितना दिया आपके पास, 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। बेस ऑफ द टावर ये है और ये कार है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, यानी हमें बी सी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी दो चीज़ निकालनी, वो ऊपर बी सी, ऊपर बी सी ऊपर ले ली, दी हुई क्या है, ए बी, ए बी नीचे। अब ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि ये और ये लाइन सेम होगी, ये बेस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये और ये सेम होती है, ये कौन से एंगल होंगे आपके, अपोजिट एंगल हो जाएंगे, एकांतर कोण बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में ध्यान में नहीं मुझे। तो इसके सामने की ये क्या होगी, परपेंडिकुलर, इसके साथ की एडजेसेंट साइड बेस, और ये हाइपोटेनस, पीछे की वर्कशीट में कर चुके हैं, ठीक है। तो बी सी क्या है आपका, प्लस फोकस नहीं बन पा रहा है, अब बन गया है। तो बी सी है आपका बेस, और ये भी क्या है, परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट होता है, ठीक है, कोट थीटा, थीटा क्या आएगा, 30 डिग्री। तो देखिए बी सी, ए बी का वैल्यू रख दो 75, कोट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/1 ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75/√3 आंसर आ जाएगा। यही हमें निकालनी है बी सी की वैल्यू, ठीक है, तो मीटर में है तो मीटर लिख दो। तो आज की वीडियो समझ में आई होगी मुझे लगता है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी घर बैठ के आराम से सीख सकें मैथ को, अपने वर्कशीट को सॉल्व कर सकें, और हमारे साथ बने रहिए। नई वर्कशीट जो आगे की वर्कशीट आएगी उसका सोल्यूशन भी हम जल्दी उपलब्ध करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।